So next is your question number 8. What is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? So we have already discussed the two terms, that is noise and music. So I hope ये आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा. And second part में आपको बोलना है क्या music कभी noise बन सकता है? If yes, then how? So let's see the answer. Music is a sound which produces a pleasing sensation, while noise is an unwanted and unpleasant sound. So यह आपका definition. Music is produced by nature, musical instruments, etc. Noise is produced by horn of vehicles, by machines, etc. Second part, music can become noise when we play it at very high volume or too many music are being played at the same time with unpleasant loudness. So there is a common saying that music is effective for relaxation and stress management. ये आप सभी ने बहुत ही आई होप बहुत ही फैमिलियर ये सब टर्म्स आपने सुना होगा. म्यूज़िक किसके लिए इफेक्टिव होता है? हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. तो म्यूज़िक क्या है, एक प्लेजेंट सेंसेशन बनाता है हमारे माइंड पे. जो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग रिलैक्स होते हैं, जब हम लोग हैप्पी होते हैं, तो हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं. बट इन द केस ऑफ नॉइज़, नॉइज़ क्या है, नॉइज़ एक अनप्लेजेंट अनवांटेड साउंड है जो हमें सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद. सो म्यूज़िक किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस्ड होता है? बाई नेचर, नेचर से हमें म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड होता है. दैन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने से क्या होता है, म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. दैन इन द केस ऑफ नॉइज़, ये सब देखो कंपेरिजन चार्ट टाइप है. नॉइज़ का केस में क्या होता है, नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, यानी हॉर्न ऑफ व्हीकल्स को हम लोग नॉइज़ बोलते हैं. दैन मशीन्स, मशीन्स का जो आवाज़ है उसको भी हम लोग नॉइज़ बोलते हैं, बिकॉज वो क्या है, अनप्लेजेंट साउंड है. सो इन सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड दैट वेदर म्यूज़िक कैन बिकम नॉइज समटाइम्स. सो द आंसर इज यस, बिकॉज म्यूज़िक कैन बिकम ए नॉइज समटाइम्स व्हेन द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस वेरी हाई वॉल्यूम साउंड्स, देन इट इज़ टर्म्ड एज नॉइज. तो हम लोग म्यूज़िक को कब नॉइज़ में टर्म्ड करते हैं, जब म्यूज़िक को हम लोग बहुत ही हाई वॉल्यूम में प्ले करते हैं. सपोज लाइक म्यूज़िक हम लोग जिस सपोज लाइक 50 वॉल्यूम पे सुन रहे, वो हमारे लिए रिलैक्सिंग है, हमें हमारे लिए वो कामिंग है. बट अगर हम उसी म्यूज़िक को 100 वॉल्यूम में प्ले करेंगे, दैन उसको हम लोग नॉइज़ बोलेंगे, बिकॉज तब वो हमारे ईयर्स के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसको तब हम लोग अनप्लेजेंट साउंड बोलेंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट सिचुएशन. इन सेकेंड सिचुएशन क्या है देखो, और टू मेनी म्यूज़िक आर बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम विथ अनप्लेजेंट लाउडनेस, यानी बहुत सारे म्यूज़िक एक ही साथ एक ही टाइम पे चला दिया, वो भी हम लोग नॉइज़ बोलेंगे. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 9. लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, आपको खुद फाइंड आउट करना है आपके सराउंडिंग्स पे क्या क्या सोर्सेज है नॉइज पोल्यूशन का. सो व्हाट यू कैन राइट, मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोशंस इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा. सोर्सेज इन द होम मे लेड टू नॉइज पोल्यूशन, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लाइंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन. जब क्रैकर्स को बर्स्ट किया जाता है, उससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नथिंग बट नॉइज पोल्यूशन. दैन मशीन्स, मशीनरी जो साउंड होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन. दैन लाउड स्पीकर्स, फिर सोर्सेज जो होम पे, वो सब भी इट लेड्स टू नॉइज पोल्यूशन. फिर टेलीविजन्स का जब हम लोग हाई वॉल्यूम में प्ले करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉइज. सो दिस इज़ ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. दैन ट्रांजिस्टर रेडियो, किचन अप्लाइंसेज, डेजर्ट कूलर्स, एसीज, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन इन वट वेज नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन्स के लिए कैसे हार्मफुल है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर. लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिजॉर्डर्स मे बी कॉज्ड बाई नॉइज पोल्यूशन. ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पोररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग.
सो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमंस पर. जैसे फर्स्ट है आपका लैक ऑफ स्लीप. यहाँ पे आपको टर्म में ही दिख रहा होगा लैक, यानी समथिंग इज लैकिंग, यानी देर इज़ नॉट एनफ ऑफ इट. तो स्लीप में लैकिंग आना, स्लीप का कम होना. नेक्स्ट क्या है देखो, सेकेंड इज हाइपर टेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. तो हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपर टेंशन बोला जाता है. ये क्या है, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से हायर होता है. देन एंग्जाइटी होना एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स. अगर एक पर्सन एक ऐसा एरिया पे रहता है जहाँ पे लाउड साउंड हमेशा कंटिन्यूसली बजता रहता है, एक्सपोज है वो उस एरिया से जहाँ पे हमेशा नॉइज़ है, दैट इज़ ये क्या है मेजर सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का जहाँ पे वो जिस एरिया पे रहता है. तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, ही मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी हियरिंग लॉस भी उसको हो सकता है अगर वो प्रोलोंग्ड एरिया के लिए उस एरिया पे रहेगा. देन सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 11. योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई ए हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड. व्हिच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाई, एक्सप्लेन योर आंसर. सो सपोज़ आपके पेरेंट्स को एक हाउस बाई करना है, सो दे हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज़ उनको रोड साइड के नियर पे एक हाउस ऑफर किया गया है, एंड सेकेंड है 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, यानी रोड साइड से थोड़ा सा पीछे है वो. नाउ आपको सजेस्ट करना है आपके पेरेंट्स को कौन सा हाउस बाय करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर रीज़न. क्लोजर टू रोड साइड लार्जर द नॉइस पोल्यूशन, सो आई वुड सजेस्ट ए हाउस विच इज़ 3 lanes अवे फ्रॉम रोड साइड, बिकॉज द पोल्यूशन लेवल बोथ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन इज़ समवट लेस देयर. सो द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल. तो आप आपके पेरेंट्स को कौन सा सजेस्ट करोगे, सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन में क्या है वो रोड साइड के थोड़ा सा पीछे है, एंड दैट इज़ वाई जो नॉइस पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा. रोड साइड में क्या होगा, मैक्सिमम नॉइस पोल्यूशन होगा. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 12. स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. सो अगेन ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, लैरिंग्स को स्केच करना है एंड अपने वर्ड्स में लैरिंग्स को एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ लैरिंग्स. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो humans में जो sound produce होता है वो कहाँ से produce होता है, voice box से. voice box या फिर उसको larynx भी बोला जाता है. तो ये जो larynx है वो कहाँ पर present होता है, upper end of windpipe. जो two vocal cords है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो stretched होता है across the वॉइस बॉक्स, या फिर उसको हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं, एक ऐसे वे पे जहाँ पे देखो नैरो स्लिट इसके बीच में है, बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, यानी एयर का पैसेज के लिए एक नैरो स्लिट बना रहता है. जब लंग्स फोर्स करता है एयर को स्लिट के थ्रू में, तब क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होता है, एंड वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. सो आई होप इट्स क्लियर दैट the function of larynx is to produce sound. So next is a question number 13. Lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain? Sky mein same time mein same distance mein lightning bhi hota hai and thunder bhi hota hai. Lightning that is जो लाइट हमें दिखाई देता है, एंड थंडर दैट इज़ जो साउंड हमें सुनाई देता है. बट लाइटनिंग हमें पहले दिख जाता है एंड थंडर हमें बाद में सुनाई देता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. सो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 330 meters per second, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ 30 crore meters per second.
सो जस्ट बाय लुकिंग एट द कंपैरिजन आप इजीली आप अभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड. लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड एंड दैट इज़ वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर ऑन.